And on 23rd, it will be a 10-minute show from ONGC New Delhi and United in Welfare and Research Foundation, Mumbai. ONGC New Delhi has taken this noble initiative, and we are also very fortunate to get associated with ONGC New Delhi to take this drive further ahead. Yes, sir, please. Sir, ma'am, come here. Yes. Ma'am, come here. Thank you. I request. Wait, sir. I request our. Thank you. Coordination Sri HPC, all key executives present here, respected guests from media, representatives from Human Welfare Research Foundation, Mumbai, and my fellow ONGCs, a very good morning to one and all. Dr. Akash from the agency has already given a brief idea about the project, Make Way for Ambulance. I would like to share about this initiative. I am thankful to Mr. Rakesh Kumar from Human Welfare Foundation, Mumbai, for supporting this cause. और लोग अपनी असमर्थता जताते हैं. We associated the NGO HWARF for the awareness of the public. The drive is being launched today. A message from Director HR is being aired on FM Rainbow channel. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी Make Way for Ambulance को important बताया था जब 15 अगस्त को उन्होंने अपना speech दिया था. RTO के नए रूल्स के आधार पर भी एम्बुलेंस को राष्ट्र संदेश के साथ जहां हर एक पल कीमती है, अगर हम अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन ले आए तो काफी जिंदगियां बचाई जा सकती है. प्रधान, आप देख सकते हैं ये रशिया में फेडरेशन का इवेंट है, उसमें ये जीत गया है. लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल शुभांगी यादव, जो कि न्यूजीलैंड में सिल्वर मेडल जीत गया है, उनको शी वॉज अ पुलिस कांस्टेबल, तो रेफरेंस से कोच करी, उन्होंने उनको सपोर्ट किया. शी आल्सो डन अ ग्रेट जॉब. अभी जो ऑन वे है ये है पूजा देवी देते हैं. 615 कोर्सेज हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया है. हम स्किल ट्रेनिंग देते हैं, तो इस योजना से हम ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म कर चुके हैं मुंबई में, तो आई थिंक दिल्ली में बहुत आसान होगा आपको करना. और दिल्ली भी मेगापोलिस है, सिटीजन्स सफर करते हैं रोड्स पे. उसमें वन ऑफ द मेजर थिंग इज स्टक ऑफ द एम्बुलेंसेस इन द ह्यूज ट्रैफिक जैम्स. हमारा ट्रैफिक का ये रहता है कि डिप्लॉयमेंट, द पर्सनल डिप्लॉयमेंट अलोंग विद द सिग्नल्स. जब एम्बुलेंस गुजरती है या कोई और किसी तरीके की दिक्कत सामने आती है तो सिग्नल्स ऑफ करके जो हमारे पर्सनल्स खड़े होते हैं वहाँ पे इंटरसेक्शंस पे, डिप्लॉयमेंट होते हैं फोर्स का, वो ऑन द रियल टाइम बेसिस डिसीजन करके सिग्नल्स को मैन्युअली ऑपरेट करवाते हैं और उनको फ्री पैसेज देते हैं. Other colleagues, seniors from ONGC, representatives, all the seniors from Humanitarian Welfare and Research Foundation who are present here, who have traveled, quite a few have traveled from Mumbai just to be with us on this, for this evening. Whenever I see the traffic, since the traffic police men was in cold winter, I feel that the kind of secret, we should also be doing something to help them in discharge of their duties. He's in the hospital. Thank you. Thank you. बहुत हम लोग ने ये चीज सोच के किया था कि हम लोग बॉम्बे में काफी देखते थे कि एम्बुलेंस फंसी रहती थी, और हम लोग के भी घर में ऐसी कुछ ट्रेजेडी हुई. Thank you.
वेटर. So when you hear a sound of siren, move to the left hand side and drive very slowly to allow the ambulance to go ahead. It's a very simple, very much for highlighting the event. Okay, मदद से स्पॉन्सरशिप अरेंज करके उनको इश हम लोग इस मेक वे फॉर एम्बुलेंस पे जो ड्राइव हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग हर सिग्नल्स पे जाके इधर हम लोग ने अभी डिसाइड किया है कि साउथ रेंज में हम लोग मेक वे फॉर एम्बुलेंस करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे. तो अवेयर प्रोग्राम में हम लोग सिग्नल्स, हम लोग ने कुछ सिग्नल्स को डिफाइन कर रखा है जहाँ पर हम लोग हमारे वॉलेंटियर्स जाएंगे और वहाँ पर हम लोग कार टैग, कुशन और टी शर्ट्स इस तरह का गिफ्ट हम लोग ड्राइवर्स को करेंगे जिससे कि उनको याद रहे कि कभी भी आप एम्बुलेंस जाता हो तो उसको आप रास्ता दें. और मैं दिल्ली पुलिस को भी अपने तरफ से थैंक्स बोलना चाहता हूं और कि उन लोग ने इस इनिशिएशन के लिए हम लोगों को सपोर्ट किया और उनका फुल सपोर्ट मैं चाहता हूं इस अवेयरनेस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए. सो ONGC, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर रिसर्च फाउंडेशन और दिल्ली के लोग जो ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं उन सभी लोगों से यही विनती है कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम को आप लोग सपोर्ट कीजिए और एम्बुलेंस को हॉस्पिटल पे टाइम पे पहुंचने में हमें मदद कीजिए और लाइफ को सेव कीजिए. मैं क्रिस्टीन स्वामीनाथन, फाउंडर ट्रस्टी फॉर ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन. हम ये ड्राइव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक सेफ्टी है, एक किसी की जान बचा सकते हैं. मुंबई में हमने इस ड्राइव को 1 ईयर तक कंटिन्यू चलाया है और यहाँ पे काफ़ी सारी चेंजेस हमको वहाँ पर मिली है. और ये जो दिल्ली में जो ट्रैफिक्स जो दिखते हैं, मतलब जहाँ पर रोड पे बिजी ट्रैफिक होता है और ये जेनरेशन्स चेंजेस होते हैं, न्यू कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, बाइक राइड करते हैं, उनको लगता है कि एम्बुलेंस के साथ रेस करना बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है और वो लोग इस बात को समझते नहीं हैं. तो आपके आप सबके द्वारा मैं ये जो यूथ है, जो कॉलेज में है, जो बच्चे हैं, जो बाइक चलाते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, और उनको एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि आप एम्बुलेंस के पीछे ना दौड़े, एम्बुलेंस को रास्ता दे दीजिए और उनके पीछे चलिए. क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट लॉ बनाया हुआ है कि जो भी एम्बुलेंस के रास्ते आएगा या उसके स्पीड के ऊपर क्रॉस करेंगे या उनको ओवरटेक करेंगे तो उनको 10,000 रुपये का फ़ाइन है. तो हम एक प्लेज करना चाहते हैं कि गिव वे टू सेव लाइफ, मेक वे फॉर एम्बुलेंस. और ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन ये ड्राइव करते आ रही है और ये ड्राइव जो 3 दिन होने वाली है दिल्ली में, हम चाहते हैं कि इस ड्राइव को कंटिन्यू और सीरीज से करना है. और ये फुल ईयर हम हर एवरी क्वार्टरली हर एक एरिया में जाकर इस ड्राइव को एंडोर्स करना चाहते हैं, लोगों के विचार लेना. आता जी, सबसे पहले तो आपका डेडिकेशन और नाम बताइए और ये अवेयरनेस प्रोग्राम कितने दिनों से कितने दिनों तक दिल्ली में चलने वाला है और क्या क्या चीज़ें लोगों तक आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं डॉक्टर आकाश खोबरागड़े, मैं एडवाइज़र हूँ ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर रिसर्च फाउंडेशन मुंबई. ONGC के साथ मिलकर ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन मुंबई ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है. ये अवेयरनेस प्रोग्राम है मेक वे फॉर एम्बुलेंस. इस अवेयरनेस प्रोग्राम का ज़रूरत इसीलिए है कि ट्रैफिक, भरे ट्रैफिक में एम्बुलेंस को रास्ता दिया नहीं जाता है और न देने के कारण जिस पेशेंट को इमरजेंसी में जा रहा है वो सही समय में हॉस्पिटल पहुँच नहीं पाता है, इसके कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है. तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, मानसिकता लोगों की बदलनी ज़रूरी है. ऐसा प्रोग्राम हमने मुंबई में किया था, अभी हम दिल्ली में कर रहे हैं. 21, 22, 23 अगस्त 2019 को ये अवेयरनेस ड्राइव हम कर रहे हैं. और इसमें हम करने क्या वाले हैं, हम पर्टिकुलरली साउथ दिल्ली में जो मेजर ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहाँ पे हम हमारे वॉलेंटियर्स जो मुंबई से आए हुए हैं, ये टी शर्ट्स, कार टैग्स, कार कुशन और कुछ अवेयरनेस के मटेरियल जैसे कि पैम्पलेट्स, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं लोगों को, जो कार चला रहे हैं, जो बाइकर्स हैं, सबको. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि ये मटेरियल देख के, ये हमारा मैसेज देख के लोग एम्बुलेंस को रास्ता दें.
तो ये छोटी सी कोशिश, शायद हम एक बड़ी मदद कर सकते हैं सोसाइटी को। धन्यवाद। इस अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर आप लोग बॉम्बे से यहाँ पर आए हैं, ONGC के साथ में मिलकर जिस तरीके से वुमन एसोसिएशन की तरफ से आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? वेल, हम लोग ये मेक अ वे फॉर द एम्बुलेंस, ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, ONGC एंड दिल्ली पुलिस, इनके साथ हम लोग एक कैंपेन दिल्ली में करने वाले हैं। मुंबई में हम लोग ऑलरेडी इसको कर चुके हैं जो बहुत सक्सेसफुल है। हम ये कैंपेन दिल्ली में भी करने वाले हैं ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाना बहुत ही महत्वपूर्वक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए कि हम जब इस रास्ते पर चलते हैं अपनी गाड़ियों में, पर्सनली यंगर जनरेशन हमने ज़्यादा नोटिस किया है कि फुल ऑन म्यूज़िक लाउड रहता है, अपने ही मस्ती में रहते हैं, भले वो एक फैमिली हो या यार दोस्त लोग हों, उन लोग जब जाते आते हैं तो म्यूज़िक बहुत लाउड रहता है या हंसी मजाक बहुत रहती है। जब एम्बुलेंस आता है तभी उस समय उन लोग को ऐसा लगता है, अरे यार क्या एम्बुलेंस के लिए रास्ता देने का जाएगी, या न तो किसी किसी के अंदर ये भी फीलिंग रहता है कि एम्बुलेंस वाले ऐसे ही निकलना चाहते हैं और वो सायरन बजा के निकल रहे हैं तो चलेगा, बट